परिणामों को देखते हुए सुनवाई प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें दिव्यांग अधिकार संघ के जिला उपाध्यक्ष संजीव वर्मा ने दिव्यांगजन की समस्याओं को लिखित में लिया है। इस मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कहा कि एक दिव्यांग से उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं को जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए समाधान के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में COVID-19 से जनसेवा को प्रकाशित करने और समाचार में पारदर्शिता रखने पर मीडिया कर्मियों को संजीव वर्मा द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें ललित शर्मा, हरि सिंह, भवनलाल ठाकुर, टीना मनभर, भी दिव्यांगजन स्नेह रामलाल, नरेंद्र सिंह, कृपा देवेंद्र, हाजी सैयद, उस्मान अहमद, जाकिर जावेद खान रही। संजीव वर्मा ने कहा कि अब भी कोई क्षेत्रों में दिव्यांगजन में जागरूकता की कमी है, इसी वजह से राज्य सरकार की मिलने वाली मुख्य सुविधा से भी वंचित है। इसके साथ ही दिव्यांगजन की मदद के लिए आगे आना हो ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके, हम उनकी लगातार काउंसलिंग करके उनको मदद एवं हौसला बुलंद करने में लगे हैं। राज्य सरकार के मिलने वाले प्रत्येक सुविधा पात्र लोगों तक पहुंचाने में ऐसे मेरी कोशिश है। सरकार में इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए भी निरंतर संपर्क में है। 750 रुपए में दिव्यांग अपना भरण पोषण कैसे कर सकता है, इसमें सरकार को जवाब तलब करना है। सबसे पहले मैं जिला कलेक्टर निकेया सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी इस पहल को आगे रखा, प्लेटफॉर्म को आगे रखा, इस योजना को आगे रखा और हमें इसके लिए सर्किट हाउस की अनुमति दी। सर्किट हाउस में आज हमारा पहला दिन निरंजन आज आए, उनकी जन सुनवाई हुई और उन्होंने काफ़ी सारे प्रार्थना पत्र मुझे पेश किए हैं, इसके निस्तारण किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं उनके प्रमाण पत्र से लेके, उनके यूडी का आईडी कार्ड से लेके, उनके रोजगार से लेके, उनके लोन संबंधी समस्याओं को लेकर और सारे नदवे।